भुवनेश्वर पहुंचले एशिया कप हॉकी विजेता दल सदस्य रश्मिता मिंज। रश्मिता भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम हॉकी छात्रावास खेला जूनियर वर्ग में अनेक मैच खेल अनुभूति रखि रश्मिता गस्त बे गुरुत्वपूर्ण था। एशिया कप विजय भारतीय टीम पर विश्वकप एंट्री देखिए सुजोग। एगार वर्ष पर भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप रे हासिल करिछि टाइटल। गर्वर कथा जे ए टीम रे पांच जन ओडिया खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करिथिले। दीपग्रेस एका, नमिता टोपो, नीलिमा मिंस, सुनीता लाक्रा भारतीय दलर नियमित खिलाड़ी होइथिले। प्रथम थर रश्मिता मिंज एथिरे सामिल होई सीनियर टीम रे जागा पक्का करबाकु आरंभ करिछन्ति प्रयास। भारतीय टीम कोच हरेन्द्र सिंह को नजरे रश्मिता जने दक्ष और डिफेंसिव खिलाड़ी, से दल पाई एक आसेट। वो आमको बहुत 13 वर्ष पर आम गोल्ड मेडल आनी 2004 गोल्ड मेडल आसी एवं आसी 13 वर्ष पर गोल्ड आसी से बहुत खुशी अच्छे। मुझ स्टैंड बाय रे थी किंतु मत सुजोग मिलला मोर किस्मत भल था से मत सुजोग मिलला और मुझे मेडल भी आनलु समस्ते वर्ल्ड कप रे भी चांस मिलला से बहुत खुशी अच्छी। राज्य क्रीडा छात्री निवास जन दक्ष खिलाड़ी होती रश्मिता जूनियर दल रे अनेक टेस्ट मैच खेलिबार अभिज्ञता रखिछन्ति। मेल फील्ड फॉरवर्ड एवं बैक रे से चमत्कार प्रदर्शन करी अनेक सुजोग सृष्टि करिबारे से माहिर बोली तांको प्रशिक्षण देउथिबा कोच कालू चौधरी कहिछन्ति। माने देखो मिडफिल्ड रे से बहुत बढ़िया खेले जूनियर मध्ये बेस्ट 11 रे खेलुथला जूनियर टीम तो इमती बर्तमान कुआडे बाहर जाइ पाने खाली टेस्ट मैच खेलुची। सीनियर रे गोटे तार देखी थे हरेन्द्र सिंह मैं कही से पिलार अच्छी किंतु आम देखुचु कौन हो पार तार गोटे मेन पोजिशन है मिडफिल्ड से खेले डिफेन्सिव हेल्प करे और अटैकिंग हेल्प करे। एबे रश्मिता मिंज लक्ष्य आगको राज्य पाई देश पाई अनेक गौरव आनिबा। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुबोध समीक्षा पटनायक न्यूज 7।